मध्य प्रदेश में पारिस्थितिकी एवं मौसम परिवर्तन के पूर्वानुमान अध्ययन के लिए इसरो द्वारा किस जिले में प्रथम कार्बन फ्लैक्स टावर स्थापित किया गया है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में पारिस्थितिकी एवं मौसम परिवर्तन के पूर्वानुमान अध्ययन के लिए इसरो द्वारा किस जिले में प्रथम कार्बन फ्लैक्स टावर स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, बैतूल जिले में। मध्य प्रदेश में इसरो द्वारा मौसम के पूर्वानुमान के लिए बैतूल जिले में कार्बन फ्लैक्स टावर स्थापित किया गया है। वर्ष 2012 में इसकी स्थापना बैतूल जिले के ताबड़ी में की गई थी। तो आपका इसका सन भी याद रखना है अगर आपको याद हो जाए तो। तथा वर्ष 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में द्वितीय कार्बन फ्लैक्स टावर स्थापित किया गया है। तो आपको प्रथम भी याद होना चाहिए जो कि बैतूल जिले में है और द्वितीय है मंडला जिले में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 32। दोस्तों इससे पहले इससे रिलेटेड एक वीडियो और अपलोड किया जा चुका है, तो आप उसे भी देखें, उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, प्रदेश में 2 जुलाई 2017 को किस नदी के तट पर 7.10 करोड़ पौधों का रोपण किया गया था? पूछा गया आपसे, प्रदेश में 2 जुलाई 2017 को किस नदी के तट पर 7.1 करोड़ पौधों का रोपण किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, नर्मदा नदी। 2 जुलाई 2017 को मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर 7.10 करोड़ पौधों का रोपण किया गया था। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसका उद्गम अमरकंटक से होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में गिद्धों के संरक्षण हेतु प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में गिद्धों के संरक्षण हेतु प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, भोपाल में। प्रदेश में गिद्धों के संरक्षण हेतु प्रजनन केंद्र की स्थापना भोपाल में की गई है। इसकी स्थापना भोपाल के करेबा में की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, प्रदेश की राजकीय मछली महासीर के संरक्षण हेतु प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? पूछा गया आपसे, प्रदेश की राजकीय मछली महासीर के संरक्षण हेतु प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, खरगोन में। प्रदेश की राजकीय मछली महासीर के संरक्षण हेतु प्रजनन केंद्र की स्थापना खरगोन में की गई है। इसकी स्थापना खरगोन के बड़वाह में की गई है। यह मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय मछली है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेले के आयोजन की शुरुआत कब से की गई है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेले के आयोजन की जो शुरुआत वह कब से की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 2011 से। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेले के आयोजन की शुरुआत वर्ष 2011 से की गई है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश वन विभाग एवं मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत में किस वर्ष वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया है? पूछा गया आपसे, भारत में किस वर्ष वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 1972 में। भारत में वर्ष 1972 में वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया था। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य प्राणी अभयारण्यों की स्थापना की गई है। तथा मध्य प्रदेश में वर्ष 1974 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 37, प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? पूछा गया आपसे, प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, 11। प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 11। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 38, मध्य प्रदेश में अभयारण्यों की संख्या कितनी है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में अभयारण्यों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, 31। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान व 31 अभयारण्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है? पूछा गया आपसे, विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, गेनी मैनफोर्ड। विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता गेनी मैनफोर्ड हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है। टाइगर प्रोजेक्ट के तहत बाघों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता किसे माना जाता है? पूछा गया आपसे, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, कैलाश सांगला को। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का जन्मदाता कैलाश सांगला को माना जाता है। तथा
विश्व में गेनी मेनफोर्ड को, तो आपको दोनों ही नाम याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? पूछा गया आपसे 2018 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, 526। वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 हो गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश सर्वाधिक बाघों वाला राज्य है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 42, प्रतिवर्ष बाघ दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया आपसे प्रतिवर्ष बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 29 जुलाई को। प्रतिवर्ष बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व में बाघों के निवास स्थान का संरक्षण, विस्तार तथा उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान में। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर को प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश सरकार ने दूधराज साहे बुलबुल को राज्य की पक्षी कब घोषित किया? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश सरकार ने दूधराज साहे बुलबुल को राज्य की पक्षी कब घोषित किया, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1981 में। मध्य प्रदेश सरकार ने दूधराज साहे बुलबुल को वर्ष 1981 में राज्य की पक्षी घोषित किया था। इसे महारानी हुसैनी बुलबुल तथा पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से भी जाना जाता है। तो यह तीनों नाम इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त कानाकिसली, बांधवगढ़ और संजय गांधी, या तीनों ही प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यान कानाकिसली, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय गांधी तथा एक अभ्यारण्य रातापानी अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में स्थित है? पूछा गया है आपको चार ऑप्शन देकर कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, मंडला और बालाघाट। कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बालाघाट जिलों में स्थित है। यह प्रदेश का प्रथम उद्यान, प्रथम अभ्यारण्य व प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? पूछा गया आपसे कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, 940 वर्ग किलोमीटर। कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह मंडला और बालाघाट जिले में लगभग 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1974 में। कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। यह टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, बंजर व सुपर्ण। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बंजर व सुपर्ण नदियां प्रवाहित होती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व है, जिसने वर्ष 2017 में अपना शुभंकर भूर सिंह द बारासिंगा जारी किया है। इसका डिजाइन रोहन चक्रवर्ती द्वारा बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसमें हवाई पट्टी स्थित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इसमें से मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसमें हवाई पट्टी स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान। कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हवाई पट्टी स्थित है। वर्ष 1999 में इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, विश्व बैंक की सहायता से किस उद्यान में पार्क इंटरप्रिटेशन
योजना प्रारंभ की गई है। पूछा गया आपसे विश्व बैंक की सहायता से किस उद्यान में पार्क इंटरप्रिटेशन योजना प्रारंभ की गई है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। विश्व बैंक की सहायता से कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पार्क इंटरप्रिटेशन योजना प्रारंभ की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 डिंडोरी में। प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान डिंडोरी में स्थित है। यह डिंडोरी जिला के शाहपुरा विकासखंड में स्थित है। यह प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान नीलगिरी जीवाश्म के लिए जाना जाता है जो अब तक खोजा गया सबसे प्राचीनतम जीवाश्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016-2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016-2017, एमपी पटवारी एग्जाम 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपरों के वीडियोज देखना है या इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। पूछा गया आपसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 उमरिया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पूछा गया आपसे निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके मध्य में 2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ का किला भी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी बहती है। पूछा गया आपसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी बहती है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 चरण गंगा नदी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से चरण गंगा नदी बहती है। इसे वर्ष 1993-94 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है। पूछा गया आपसे किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 बांधवगढ़। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान की तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। पूछा गया आपसे प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान की तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस राष्ट्रीय उद्यान में चार्जर बाघ के नाम पर चार्जर पॉइंट भी निर्मित किया गया है। पूछा गया आपसे किस राष्ट्रीय उद्यान में चार्जर बाघ के नाम पर चार्जर पॉइंट भी स्थापित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में चार्जर नर बाघ तथा सीता मादा बाघ सर्वाधिक प्रसिद्ध बाघ हैं। इस उद्यान में चार्जर बाघ के नाम पर चार्जर पॉइंट निर्मित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस राष्ट्रीय उद्यान में गौर पुनर्वास योजना संचालित की जा रही है। पूछा गया आपसे किस राष्ट्रीय उद्यान में गौर पुनर्वास योजना संचालित की जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में गौर पुनर्वास योजना संचालित की जा रही है तथा इसे हाथियों के निवास स्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के किस जिले में देश तथा प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य खोला गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश के किस जिले में देश तथा प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य खोला गया है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 आगर मालवा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में देश तथा प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य खोला गया है। इसकी स्थापना 24 दिसंबर
2012 को की गई थी। यह आगर मालवा जिले के सुसनेर क्षेत्र में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी नदी गांधी सागर अभ्यारण्य को दो भागों में विभाजित करती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी नदी गांधी सागर अभ्यारण्य को दो भागों में विभाजित करती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर दो, चंबल नदी। चंबल नदी गांधी सागर अभ्यारण्य को दो भागों में विभाजित करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है गांधी सागर अभ्यारण्य से कौन सी नदी होकर बहती है, तो आपका आंसर होना चाहिए चंबल नदी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कालीभीत अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। पूछा गया आपसे कालीभीत अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर तीन, बैतूल जिले में। कालीभीत अभ्यारण्य बैतूल जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य में काले भालू एवं चीते को संरक्षण दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को महाराष्ट्र के मेघराज अभ्यारण्य से जोड़कर बाघ गलियारा बनाने की योजना प्रस्तावित है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को महाराष्ट्र के मेघराज अभ्यारण्य से जोड़कर बाघ गलियारा बनाने की योजना प्रस्तावित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर चार, कालीभीत अभ्यारण्य। कालीभीत अभ्यारण्य को महाराष्ट्र के मेघराज अभ्यारण्य से जोड़कर बाघ गलियारा बनाने की योजना प्रस्तावित है और कालीभीत अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दुर्गावती अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। पूछा गया आपको चार ऑप्शन देकर दुर्गावती अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर चार, दमोह जिले में। दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1997 में दमोह जिले में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधौरी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। पूछा गया आपसे सिंधौरी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर चार, रायसेन जिले में। सिंधौरी अभ्यारण्य रायसेन जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस अभ्यारण्य में बरना बांध स्थित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किस अभ्यारण्य में बरना बांध स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर चार, सिंधौरी अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित सिंधौरी अभ्यारण्य में बरना बांध स्थित है। इस अभ्यारण्य में मृगन्नाथ गुफा, जामबंती गुफा एवं चौकीगढ़ किला आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पचमढ़ी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है पचमढ़ी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर एक, होशंगाबाद जिले में। पचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किस अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर चार, पचमढ़ी अभ्यारण्य को। पचमढ़ी अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश का प्रथम जैविक आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1999 में तथा यूनेस्को द्वारा वर्ष 2009 में इसे मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है और यह होशंगाबाद जिले में है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बोरी अभ्यारण्य की स्थापना किस जिले में की गई है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है बोरी अभ्यारण्य की स्थापना किस जिले में की गई है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर चार, होशंगाबाद जिले में। बोरी अभ्यारण्य की स्थापना होशंगाबाद जिले में की गई है। इसकी स्थापना वर्ष 1865 में की गई थी। इस अभ्यारण्य में स्थित वन क्षेत्र को भारत के सबसे पुराने जंगल के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, फेन मिनिकोर अभ्यारण्य की स्थापना किस जिले में की गई है। पूछा गया आपसे फेन मिनिकोर अभ्यारण्य की स्थापना किस जिले में की गई है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर तीन, मंडला जिले में। फेन मिनिकोर अभ्यारण्य की स्थापना मंडला जिले में की गई है। इसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी, तो आपको यह भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किस अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर तीन, ओरछा अभ्यारण्य को। ओरछा अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी और इसे पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ओरछा अभ्यारण्य किस जिले में स्थापित किया गया है। पूछा गया आपसे ओरछा अभ्यारण्य किस जिले में स्थापित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर दो, टीकमगढ़ जिले में। ओरछा अभ्यारण्य
टीकमगढ़ जिले में स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ओरछा अभ्यारण्य की स्थापना किस नदी के किनारे पर की गई है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है ओरछा अभ्यारण्य की स्थापना किस नदी के किनारे की गई है, तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों को चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर चार, बेतवा नदी के। ओरछा अभ्यारण्य की स्थापना बेतवा नदी के किनारे की गई है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। यह यमुना की सहायक नदी है। तो आपसे पूछा जा सकता है यमुना की सहायक नदी बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। तो इस दोनों ही प्रकार से आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों ही तरीके से आप इन्हें। अगला प्रश्न है हमारा, संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। पूछा गया आपसे संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर दो, सीधी जिले में। संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य सीधी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में सीधी जिले में की गई थी। इस अभ्यारण्य से गोपद, बनास और सोन नदियां प्रवाहित होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बगदरा अभ्यारण्य किस जिले में स्थापित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है बगदरा अभ्यारण्य किस जिले में स्थापित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर दो, सीधी जिले में। बगदरा अभ्यारण्य सीधी जिले में स्थापित किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गंगऊ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है गंगऊ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों को चुनना है। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर चार, पन्ना जिले में। गंगऊ अभ्यारण्य पन्ना जिले में स्थित है। पन्ना जिला हीरा उत्पादन में प्रदेश तथा देश में प्रथम स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस अभ्यारण में जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है किस अभ्यारण में जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर दो, गंगऊ अभ्यारण में। गंगऊ अभ्यारण में जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रातापानी अभ्यारण्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है रातापानी अभ्यारण्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर चार, बेतवा नदी। रातापानी अभ्यारण्य से बेतवा नदी प्रवाहित होती है। इस अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1976 में सीहोर एवं रायसेन जिले में की गई थी। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। यह यमुना की सहायक नदी है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य जिसे वर्ष 2014 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य जिसे वर्ष 2014 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर तीन, रातापानी अभ्यारण्य। प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य रातापानी अभ्यारण्य है जिसे वर्ष 2014 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान और 1 राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मांधाता अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है मांधाता अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर दो, खंडवा जिले में। मांधाता अभ्यारण्य खंडवा जिले में प्रस्तावित है। प्रदेश का सबसे बड़ा आरक्षित वन क्षेत्र भी खंडवा जिले में ही है, इसे भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सुरमेनिया अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है सुरमेनिया अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर दो, खंडवा जिले में। सुरमेनिया अभ्यारण्य खंडवा जिले में प्रस्तावित है और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 178.21 वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बसामन मामा गो अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है। पूछा गया आपसे बसामन मामा गो अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर चार, रीवा में। बसामन मामा गो अभ्यारण्य रीवा जिले में प्रस्तावित है। यह रीवा जिले के सिरमौर में खोला जा रहा है। तो दोस्तों आप सभी को यह प्रस्तावित अभ्यारण्य जरूर याद करना है, क्योंकि यह अभी प्रस्तावित है, इनका निर्माण किया जा रहा है, तो इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मयूर अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है। पूछा गया आपसे मयूर अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर एक, झाबुआ जिले में। मयूर अभ्यारण्य झाबुआ जिले में प्रस्तावित है। यह झाबुआ जिले के मेघनगर क्षेत्र में प्रस्तावित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर दो, अलीराजपुर में। कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य अलीराजपुर जिले में प्रस्तावित है और इसका जो क्षेत्रफल है वह 90 वर्ग किलोमीटर है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश की टाइगर सफारी महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव वाइट टाइगर जू किस जिले में स्थापित किया गया है।
पूछा गया आपसे, प्रदेश की प्रथम टाइगर सफारी महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर जू किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, सतना जिले में। प्रदेश की प्रथम टाइगर सफारी महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर जू मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थापित की गई है। इसकी स्थापना वर्ष 2016 में प्रदेश के सतना जिले के मुकुंदपुर में की गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, भोपाल में। मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में जैव विविधता पार्क कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश में जैव विविधता पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, सतना में, या सतना के नागौद में स्थित है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में जैव विविधता पार्क सतना के नागौद में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, इंदौर में। मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन 11 अप्रैल 2005 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में जैव ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश में जैव ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, रीवा में। मध्य प्रदेश में जैव ऊर्जा पार्क रीवा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।